ये त्योहारों का समय है। अपनी दादी के साथ बाहर जाने के लिए नायरा तैयार होकर बैठी है। दादी ने नायरा से कहा है कि वो उसे नजदीक के पंडाल में दुर्गा पूजा दिखाने ले जाएंगी। चलो नायरा, अब चलते हैं। दादी माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। माँ ने मुझे कहा था कि नवरात्रि में हम अम्बे माँ की पूजा करते हैं, और आप तो कह रही हैं कि हम दुर्गा पूजा में जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ नायरा, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा। उसने ये भी कहा होगा कि ये त्योहार हर जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हाँ दादी माँ, उन्होंने कहा था। बस उसी तरह भारत के पूर्वी देशों के लोग, खास करके पश्चिम बंगाल के लोग, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गा पूजा की शुरुआत महालोया के दिन होती है। ये दिन नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले आता है, लेकिन ये त्योहार नवरात्रि के छठे दिन से खास तौर से मनाते हैं, जिसे षष्ठी कहते हैं। हर साल देश भर में अलग अलग दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं, और ये त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आज हम ऐसे ही एक पंडाल में जा रहे हैं, वहाँ तुम देखोगी कि ये त्योहार कैसे मनाते हैं। हाँ दादी माँ। ये आवाज कैसी है दादी माँ? वो धाक की आवाज है। ये एक पारंपरिक संगीत वाद्य है, और कई सदियों से ये वाद्य दुर्गा पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग धाक बजाते हैं उन्हें धाकी कहते हैं। धाक की आवाज कितनी अच्छी है ना? हाँ नायरा, ये आवाज सच में बहुत अच्छी है। चलो अब दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। देखो नायरा, यहाँ पर लोग देवी माँ को फूल चढ़ा रहे हैं। ये ऐसा हर दिन करते हैं। नवरात्रि के सातवें दिन से ये शुरू होता है, जो दुर्गा पूजा का दूसरा दिन होता है। इस चढ़ावे को पुष्पांजलि कहा जाता है, या फिर अंजलि भी कहते हैं। आज नवरात्रि का आठवां दिन है। इस दिन को अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन तुम्हारे जैसी छोटी लड़कियां नए कपड़े और फूलों से बने जेवर पहनती हैं। फिर वो उस मंच पर जाती है जहां देवी को प्रतिस्थापित किया गया है। वहां वो चढ़ावा चढ़ाकर प्रार्थना करती हैं। कल यहां एक अनोखा नृत्य होगा। किस तरह का नृत्य दादी माँ? इसे धनुची कहते हैं। मिट्टी के घड़े के अंदर जलता हुआ कोयला रखा जाता है। लोग उसे अपने हाथों में उठाते हैं और धाक की ताल पर नृत्य करना शुरू करते हैं। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं। ओ दादी माँ, कितना अच्छा होगा ना? क्या हम कल फिर से यहाँ आ सकते हैं वो नृत्य देखने? हाँ नायरा, क्यों नहीं, हम कल जरूर आएंगे। हम नील को भी अपने साथ लाएंगे। दादी माँ, वहाँ देखिए वहाँ पर मिठाइयाँ हैं। चलिए चलकर खाते हैं। जरूर नायरा।